गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अजय कुमार है और नीचे दिया हुआ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें ये दोनों मेरा पर्सनल नंबर है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470850690। और आज डेट 19/5/2020 है, 19/5/2020 है। और ये क्लास जो है क्लास 9th का वीडियो लेक्चर चल रही है जिसका चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर 2 है। और हम लोग सब जानते हैं साइंस का मेनली, वैसे तो बहुत सारा पार्ट्स है लेकिन साइंस का मेनली 3 पार्ट्स होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। और मैं डीवी सेंट्रल में केमिस्ट्री क्लास लेता हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस जो है डीवी सेंट्रल की ओर से स्टार्ट कराई गई है ताकि बच्चों को कोई असुविधा नहीं हो, वो परेशानी नहीं हो या किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। ये लॉकडाउन कब खुलेगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं पर डे बाय डे ये क्या कर हो रही है, इंक्रीज करती रही। इसलिए आप प्लीज वीडियो लेक्चर से अवश्य पढ़ने का कोशिश करें और देखिए, यदि कहीं भी डाउट रह जाती है आप में डायरेक्ट पर्सनल नंबर पे फोन करके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। किसी भी टाइम फोन कीजिए और आप डाउट को क्लियर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर 2। चलिए हम लोग चैप्टर 2 क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका देखिए मीनिंग क्या होता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर मीन्स हमारे चारों ओर जितना भी मैटर है, यदि आप कहेंगे आपके चारों ओर या हमारे चारों ओर, यदि आप देखिएगा तो ये भी कलम एक क्या है, मैटर है। एक पेपर क्या है, एक मीटर है। इस पे लिखा हुआ इंक क्या है, एक मीटर है। बेंच डेस्क क्या है, एक मीटर है। जो क्लॉथ हम लोग पहनते हैं वो क्या कहलाता है, मीटर कहलाता है। जो फ्रिज एसी टीवी मोबाइल ये सब क्या है, हम लोग को कह सकते हैं ये क्या है, मीटर। तो सवाल यहां ये है, इज मीटर अराउंड अस प्योर, तो हमारे चारों ओर जितना मीटर है क्या वह प्योर है कि प्योर नहीं है, उसके बारे में ही हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। जैसा कि जस्ट बताए हैं आपको, मीटर का एग्जांपल दिए कि आपके चारों जितना भी चीज दिखाई दे रही है, बेंच डेस्क फ्रिज एसी टेबल कलम मोबाइल पेन पेपर इंक, ये सारा क्या है, मीटर है। मीन्स आप कह सकते हैं दुनिया में जितना भी चीज अवेलेबल है, वर्ल्ड में जितना भी चीज अवेलेबल है, थिंग्स अवेलेबल है, उस सारा का सारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अब पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में बताया भी था मैटर का डिफिनेशन क्या होता है, तो ये सारा क्या है, मैटर है। अब सवाल ये है, इस चैप्टर में पढ़ना ये है, इज मैटर, क्या मैटर हमारे चारों ओर जो है क्या वह प्योर है कि इम्प्योर है, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला पॉइंट है मिक्सचर। क्या है, मिक्सचर। तो मिक्सचर किसको बोलेंगे हम लोग, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं घी, क्या लेते हैं, घी। घी एक क्या है, एग्जांपल है, GH घी और ऑयल। आप जानते भी हैं, घी खाते भी हैं, घी देखे भी हैं, तो घी क्या प्योर है कि प्योर नहीं है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। क्या है घी, अतः घी यदि पूछा जाए क्या ये प्योर है, यदि घी पूछा जाए क्या प्योर है, तो हम लोग अवश्य बोलेंगे ये क्या है, प्योर नहीं है। अब सवाल ये भी है, प्योर क्यों नहीं है।
ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, घी और ऑयल क्या मिक्सचर है? हम लोग 100% बोलेंगे ये क्या है, मिक्सचर है। ऑब्वियसली घी एंड ऑयल इज ए मिक्सचर, घी और ऑयल एक क्या है, मिक्सचर है। तो सवाल ये है तो प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं है, ये मिक्सचर क्यों है? तो देखिए कैसे हम लोग बोलेंगे, घी का जो कंपोनेंट होती है, घी जिस जिस पार्ट से बनी होती है, घी जिस जिस सब्सटेंस से बनी होती है, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। या कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए पेन है, ये देख रहे हैं ना, ये पेन बना हुआ किसमें, एक नीब है जो मेटल का बना हुआ है, एक रबर है, ये देख रहे हैं रबर है, एक रबर मींस पेन बनाने के क्रम में मेटल, रबर और थिन फाइबर दोनों का यूज हुआ है, और आप कह सकते हैं कलर का भी यूज हुआ है। मींस कह सकते हैं क्या, ये पेन बनाने में जिस जिस सब्सटेंस का यूज किया गया है वो सब्सटेंस कहलाता है कंपोनेंट। क्या कहलाएगा, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट आप समझ गए, कंपोनेंट किसे कहते हैं, जैसे कोई भी सब्सटेंस, जैसे एज्यूम कर लीजिए कि एक टीवी का एग्जांपल लीजिए, टीवी में क्या होता है, ग्लास होता है, टीवी में क्या होता है, रबर फाइबर लगा होता है, टीवी में क्या, मेटल का वायर लगा होता है। तो टीवी जो है जितना भी पार्ट से बना हुआ है उस सारा पार्ट्स कहलाएगा क्या, टीवी का कंपोनेंट कहलाएगा। तो हम वही देखते हैं मिक्सचर जो है, घी और ऑयल जो मिक्सचर है तो क्यों है, तो इस घी और ऑयल का कंपोनेंट कौन कौन सा है आप जानते भी हैं और पढ़ भी चुके होंगे क्लास 7th 8th में कि घी में क्या क्या रहता है, वाटर रहता है, घी में क्या रहता है, फैट रहता है, घी में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। तो वाटर एक क्या है, खुद में प्योर सब्सटेंस है, H2O। वाटर क्या है, खुद में एक प्योर सब्सटेंस है। फैट क्या है, खुद में एक प्योर सब्सटेंस है। और प्रोटीन्स क्या है, खुद में क्या है, प्योर सब्सटेंस। तो आप कह सकते हैं ये तीन प्योर सब्सटेंस क्या है, आपस में कंबाइन कर लिया गया है। ये तीनों प्योर सब्सटेंस जो है आपस में कंबाइन कर लिया गया है। जैसे ही तीनों प्योर सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस का निर्माण होता है, वही नया सब्सटेंस कहलाता है क्या, घी एंड ऑयल। क्या कहलाएगा, घी एंड ऑयल। क्योंकि घी और ऑयल बनाने के लिए वाटर एक प्योर सब्सटेंस चाहिए, फैट एक प्योर सब्सटेंस चाहिए, प्रोटीन एक प्योर सब्सटेंस चाहिए। इतना प्योर सब्सटेंस चाहिए घी और ऑयल बनाने के लिए, और जब यही प्योर सब्सटेंस आपस में मिल जाता है तो घी का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं घी को बनाने के लिए वाटर, फैट और प्रोटीन्स तीनों चीज चाहिए। तो घी का कंपोनेंट क्या हो गया, वाटर, फैट एंड प्रोटीन, ये क्या है, कंपोनेंट हो गया किसका, घी का। चूंकि घी एक सिंगल सब्सटेंस से नहीं बना हुआ है, घी जो है एक सिंगल सब्सटेंस से नहीं बना हुआ है। यदि कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस के मिलने से बना होता है, ऐसे सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर का आप डिफिनेशन समझ गए होंगे, जब कोई सब्सटेंस दो या दो से अधिक, प्योर सब्सटेंस को मिला देने से बनती है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर कहते हैं। इसीलिए घी और ऑयल क्या है, एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं है, क्योंकि घी और ऑयल जो है तीन प्योर सब्सटेंस के मिलने से बना हुआ है। कोई दिक्कत,
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, एयर। जैसे आप एयर देखे होंगे, नहीं नहीं देखे होंगे आप, एयर क्या किए होंगे आप, एहसास किए होंगे, फीलिंग्स किए होंगे, इन्वायरमेंट में है लेकिन आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये गैस है। ये क्या है? गैस है। तो हम लोग जानते भी हैं कि एयर क्या प्योर सब्सटेंस है। 100% बोलेंगे एयर एक प्योर सब्सटेंस हम लोग का नहीं है। एयर प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो पूछता क्या एयर मिक्सचर है? 100% एयर इज ए मिक्सचर। एयर क्या है? तो मिक्सचर है। चलिए हम लोग देखते हैं एयर जो है किन किन प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है। तो यदि हम देखते हैं कंपोनेंट देखते हैं एयर का, तो आप जानते भी होंगे, स्टडी भी किए होंगे, एयर में नाइट्रोजन होता है, सॉरी ऑक्सीजन होता है, जिसको कि हम लोग सांस के रूप में गेन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। आप कह सकते हैं कितना परसेंट होता है, आप जानते भी हैं 21% होता है। नाइट्रोजन होता है एयर में, आप जानते भी हैं गैस के रूप में है, जिसका परसेंटेज क्या है? 28% है। और इनर्ट गैस भी होता है, आप जानते भी होंगे इनर्ट गैस कौन कौन सा है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। तो आप यह कह सकते हैं इनर्ट गैस कौन कौन सा है? तो देखिए हीलियम है। क्या है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये क्या है? हीलियम गैस है। लेकिन हीलियम गैस है तो इसमें मेनली क्या है? आर्गन गैस है। यदि हीलियम गैस है तो मेनली क्या है? आर्गन गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, वाटर वेपर भी है। तो कह सकते हैं एयर का कंपोनेंट इतना सारा के मिलने से बना हुआ है। ये सब आपस में खुद में एक क्या है? प्योर सब्सटेंस। यदि सिर्फ ऑक्सीजन का बात करें, ऑक्सीजन में क्या? सिर्फ ऑक्सीजन है और कुछ तो है नहीं, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गया। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन खुद में एक क्या है? सब प्योर सब्सटेंस है। इनर्ट गैस यदि बात करते हैं मेनली क्या रहता है? आर्गन। आर्गन क्या है? खुद में क्या है? प्योर सब्सटेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड खुद में क्या? प्योर सब्सटेंस है। तो कह सकते हैं ये कंपाउंड या ये मॉलिक्यूल्स जो है अपने आप में खुद में ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। जब ये पता लग गया प्योर सब्सटेंस है, जब आपस में मिला देते हैं किसी भी रेशियो में, तो एयर का निर्माण हो जाती है। एयर का निर्माण कैसे होती है? ये सबको आपस में मिलाने से। तो कह सकते हैं इतना सारा प्योर सब्सटेंस को जब हम लोग आपस में मिला देते हैं तो एयर का फॉर्मेशन होता है। और मिक्सचर का डिफिनेशन क्या बताया आपको? जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में किसी भी रेशियो में मिला देने से बन जाती है तो सब्सटेंस क्या कहलाती है? मिक्सचर कहलाती है। इसलिए एयर क्या है? मिक्सचर है। तो हम लोग कह सकते हैं अदर एग्जांपल लेते हैं तो क्या हुआ? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन क्या है? खुद में एक क्या है? प्योर सब्सटेंस है, ये मिक्सचर है। सी वाटर, आप सी वाटर जानते हो नमकीन होता है, इसका मतलब क्या है? साल्ट मिला होता है, वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। पेट्रोल भी एक क्या है? सॉरी सी वाटर भी क्या है? मिक्सचर है। पेट्रोल भी एक क्या है? मिक्सचर है। केरोसिन ऑयल और सॉयल, ये सारा चीज क्या? एक मिक्सचर है। सॉफ्ट, चलिए बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का। यदि सॉफ्ट ड्रिंक का ही बात कीजिएगा, सॉफ्ट ड्रिंक देखिए किससे बना होता है? इसमें वाटर दिया रहता है, आप जानते भी हैं वाटर खुद एक प्योर सब्सटेंस है। और शुगर दिया रहता है, शुगर भी एक क्या है? खुद में प्योर सब्सटेंस है। और क्या दिया रहता है? कार्बोनिक एसिड भी दिया रहता है, H2C2
कार्बोनिक एसिड H2CO4 H2CO4 कार्बोनिक एसिड भी दिया जाता है। तो कह सकते ये सब आपस में खुद एक प्योर सब्सटेंस है, ये सब को मिला देते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का निर्माण होता है। तो देखिए क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स सिंगल प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है? तो नहीं बना हुआ है, ये दो ये तीन तीन सॉफ्ट ड्रिंक्स से बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स भी एक क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये क्या है मिक्सचर है। ये क्या है प्योर सब्सटेंस है नहीं है, ये क्या है मिक्सचर है। तो मिक्सचर है तो आप मिक्सचर का डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ए मिक्सचर इज ए मटेरियल। मिक्सचर क्या है? एक मटेरियल है। मिक्सचर क्या है? एक थिंग्स है विच कंसिस्ट ऑफ, जो रखता हो टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस। वो क्या हो सकता है? एलिमेंट्स हो सकता है या कंपाउंड्स हो सकता है। विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, जो क्या होता है एक दूसरे में केमिकली कंबाइंड नहीं रहता है बट फिजिकली मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, लेकिन किसी भी रेशियो में हम लोग मिक्स कर देते हैं। तो हम लोग इसको तो हिंदी में समझ लिए, इसको क्या बोलेंगे? ए मिक्सचर इज ए मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड बट फिजिकली मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो में लोग मिक्स कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? प्योर सब्सटेंस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या टाइप्स ऑफ मिक्सचर, क्या देते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में देखिए क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स, मीन्स कंपोनेंट्स के नेचर के ऊपर डिपेंड्स करता है, और अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के नेचर के अनुसार मिक्सचर को दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटी गई है। सबसे पहला है होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहला क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या है? हेटरोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या है? हेटरोजीनियस मिक्सचर। चलिए देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। चलिए आप सिंपली पहले आप समझिए, एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। आप नमक और पानी पिए होंगे, क्या पिए होंगे? नमक और पानी। तो नमक को जब पानी में मिलाते हैं, मिला देने के बाद क्या वह नमक वाटर में दिखता है? तो आप खुद बोलिएगा सर नमक वाटर में नहीं दिखता है। या दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं, जब वाटर में हम लोग शुगर को मिला देते हैं या मिक्स कर देते हैं, क्या शुगर वाटर में दिखता है? अब ये कंडीशन नहीं लगाइएगा कि घुलने के पहले, हम कंडीशन बतला रहे हैं घुलने के बाद, इसलिए बोलते हैं घुला देने के बाद। जब वाटर में क्या घुल देते हैं, घुला देते हैं शुगर को या नमक या दोनों घोल दीजिए, तो क्या वह नमक या शुगर जो है वाटर में दिखता है? हम लोग 100% बोलेंगे यह नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो तो घुल गया। तो होमोजेनियस, अब देखिए कैसे समझते हैं, टेक ए ग्लास, सबसे पहले हम लोग ग्लास लेते हैं विच कंटेन 500 ml वाटर। तो देखिए ये क्या है, ग्लास है और इसमें हम लोग क्या लिए, वाटर लिए, कितना लिए 500 ml वाटर। सबसे पहले ग्लास लिए, उसमें 500 ml वाटर ले लिए।
अब क्या करेंगे, 50 ग्राम शुगर C2H22O11 इज मिक्स्ड इनटू द वाटर, इसमें 50 ग्राम शुगर हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, 50 ग्राम शुगर क्या करेंगे हम लोग इसमें मिला देंगे। जब शुगर मिला दिए तब देखिए विद द हेल्प ऑफ स्टिक, स्टिक भी छड़ी की सहायता से प्रॉपरली मिक्स, प्रॉपरली क्या करेंगे हम लोग मिक्स कर देंगे। जब प्रॉपरली मिक्स हो जाएगी टेस्ट द वाटर एट एनी पोजिशन विच बिलोंग्स टू द ग्लास। नहीं देखिए इसमें कितना पोजिशन है, ये सब क्या है 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 पोजिशन है। तो ये सब में जो ग्लास है, इस ग्लास में का कई पोजिशन है, तो कहीं का भी वाटर को निकाल के आप टेस्ट कीजिए। क्या करेंगे, कहीं का भी वाटर लेंगे और हम टेस्ट करेंगे। वो लिखा हुआ टेस्ट द वाटर एट एनी पोजिशन विच बिलोंग्स टू द ग्लास, ग्लास के अंदर बहुत सारा पोजिशन होने के कारण हम लोग कहीं किसी भी पोजिशन का वाटर निकालेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। तो क्या देखेंगे, थी स्वीटनेस ऑफ वाटर इज सेम, हर एक जगह का वाटर का स्वीटनेस मीठापन क्या है सेम है। तो आप कह सकते हैं ग्लास के अंदर वाटर और शुगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मीन्स क्या, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है शुगर जो है वाटर के अंदर, एक समान रूप से क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जब वाटर और शुगर, या कह सकते हैं कब, जब कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, एक यूनिफॉर्मली मीन्स क्या, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक समान रूप से वो फैल जाए, ऐसे ही मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो कह सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस, कोई भी मिक्सचर जो है होमोजेनियस कहलाता है, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस, कोई मिक्सचर होमोजेनियस कहलाता है इफ, अगर, इफ मीन्स अगर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, मीन्स मिक्सचर का, मिक्सचर बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट्स है, वही बोल रहा है ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर या मिक्सचर को बनाने में जो जो कंपोनेंट्स यूज किया जा रहा है आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, जो क्या हो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, मीन्स जितना भी कंपोनेंट्स का यूज किया जा रहा है सबका, सबका बाउंड्री एक दूसरे के अलग अलग ना हो, ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, क्या बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन इसको हम लोग तीन पॉइंट्स में बोल सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है बोल सकते हैं, देखिए एक पॉइंट्स में मिक्सचर्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, तो से पहला कंडीशन है मिक्सचर क्या होना चाहिए यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होना चाहिए, वही यहां लिखा हुआ है मिक्सचर्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, मिक्सचर यूनिफॉर्मली मिक्स होना चाहिए, नॉट विजिबल ऑल द कंपोनेंट्स सेपरेटली, मीन्स उसमें जितना भी कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के सेपरेट नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, मीन्स एक दूसरे का बाउंड्री दिख नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, यही होता है होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं एक नोट जान लीजिए क्या, ऑल होमोजेनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन, जितना भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है सबका सब क्या कहलाता है सॉल्यूशन कहलाता है। यदि आपका सॉल्यूशन का कोई डिफिनेशन पूछ दे बाय मिस्टेक, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति आपसे सॉल्यूशन का डिफिनेशन पूछ दे, तो हम लोग क्लियर कट बोलेंगे
ऑल होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजीनियस मिक्सचर, बस उसका उल्टा कर दिए ना, होमोजेनियस मिक्सचर का हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो उसमें क्या था, जितना भी कंपोनेंट था मिक्सचर का, उस सब का सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर नॉट प्रॉपरली मिक्स्ड। मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स है एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, ये कहलाता है होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिजिबल्स ऑल द कंपोनेंट्स सेपरेटली, मींस जितना भी उसमें क्या था, नॉट विजिबल ऑल द कंपोनेंट्स सेपरेटली, लेकिन इसमें क्या है, जितना भी कंपोनेंट्स होना चाहिए वो एक दूसरे से अलग अलग दिखना चाहिए, अलग अलग दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्या देखिए, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, मींस कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स है उसमें सब का अलग अलग बाउंड्री दिखाई पड़ना चाहिए, मींस आपको दिखना चाहिए, यदि मान ली नमक और शुगर लिए हैं, आपको दिखना चाहिए शुगर अलग है तो नमक अलग पार्ट से, ये तीन क्या कहलाता है, हाइड्रोजीनियस कंपोनेंट कहलाता है। यदि हम लोग एक एग्जांपल इसको डिफिनेशन देखेंगे जो लैंग्वेज के रूप में, इसको बोल सकते हैं ए मिक्सचर इज सेड टू बी हाइड्रोजीनियस, कोई मिक्सचर जो है हाइड्रोजीनियस तब कहलाता है इफ, अगर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स आर, मिक्सचर में जितना भी कंपोनेंट्स है आर नॉट थ्रूली मिक्स, वो मिक्स नहीं होना चाहिए, एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, और बाउंड्री दिखला पड़ना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या है, सैंड और शुगर को, यदि आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, यदि सैंड और शुगर लेते हैं आप कितना भी मिला दीजिएगा तो खुद देखिएगा, सैंड अलग दिखेगा शुगर अलग दिखेगा। वाटर क्रोसिन लीजिए, आप प्रैक्टिकली कीजिए, एक डब्बा एक बोतल लीजिए, वाटर भी लीजिए उसमें क्रोसिन ऑयल भी लीजिए, खूब शेकिंग कीजिए, खूब हिलाइए उसको, खूब स्टिक की सहायता से क्या कीजिए, सॉक कीजिए, जब देखिए 10 मिनट करने के बाद छोड़ दीजिए, फिर आप देखिएगा क्रोसिन ऑयल जो है अलग हो जाता है किससे, वाटर से। तो आप कह सकते हैं वाटर और क्रोसिन ऑयल क्या है, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है। गन पाउडर भी एक क्या है, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है। ये था हम लोग का हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। कल हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मिक्सचर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उस सारा स्टडी करेंगे। यदि आप लोग को इसमें कोई, देखिए जैसा कि आप जानते भी हैं, मैं एक स्टार टीचर तो नहीं हूं, लेकिन मैं सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज का गेस्ट लेक्चरर हूं, और मैं संजीवनी में आईआईटी का क्लास भी लेता हूं, आईआईटी बैच जो आप नाम सुने होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको इंसान पढ़ने के लिए कोटा तो जाती है, और मैं वहां क्लास लेता हूं। और इसलिए मैं जहां तक बतला रहा हूं, प्लीज आप हमारे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस स्टडी कीजिए। जो 9th के बच्चे हैं वो हम पे भरोसा कितना जरूर कीजिए कि आपको साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यदि अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं। हाँ, किसी के कोई भी कोई टीचर बोलते क्या है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है उनको बोलने दीजिए आप एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ाने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। इसलिए प्लीज आपसे मैं जो रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज एनसीईआरटी बुक को पर डे स्टडी कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो भी एग्जाम दीजिएगा, आईआईटी दीजिए या नीट दीजिए, मेडिकल लाइन जाइए,
हर एग्जाम में आईआईटी, हर एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाई जाती है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है बुक के कहीं मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट मीन्स क्या, बीच बीच से उठा लेते हैं। इसलिए आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन उसका यूज कीजिए। यदि आप मेडिकल का तैयारी करने करना चाहते हैं तो प्लीज आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी से क्लास 9th से ही आप मेडिकल का तैयारी कर सकते हैं। आपको करना ही पड़ेगा तो ही आगे कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। तो आप मेरा इतना बाजू मानिए, बायोलॉजी का बुक क्लास 7 से उठाइए और 9th तक का इसी लॉकडाउन में पढ़ने का कोशिश कीजिए प्लीज, तो ही आप एक मेडिकल कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शेष बातें होगी बाद में, यदि कोई डाउट है आपको है तो प्लीज आप में डायरेक्ट इस नंबर, हमारे जो दिया हुआ नंबर है उस पर फोन करने का कोशिश कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।